और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। अमेरिका में आज से बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। जो बाइडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। जो बाइडेन के अलावा कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, वो इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला है। शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच कैपिटल हिल में हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा समारोह में मौजूद रहे। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और अंतिम बार राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस से विदा लेते हुए विमान से फ्लोरिडा स्थित अपने स्थायी आवास के लिए रवाना हो गए। बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में जो बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है और जश्न का समय है, नया इतिहास बन रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां देखी है। अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा। मैं सबकी तरक्की और सबकी रक्षा के लिए हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो बाइडेन को बधाई दी है। ओबामा ने बाइडेन को बधाई देते हुए कहा कि ये आपका समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जो बाइडेन को बधाई दी और पीएम मोदी ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन को 2 महीने होने को है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में भी ये लड़ाई अब भी जारी है। बीते दिन किसान सरकार के बीच हुई बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक रोकने की बात कही गई और किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर किसान संगठन आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें सरकार के प्रस्ताव और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। 22 जनवरी यानी कल सरकार और किसानों में एक बार फिर से बातचीत होनी है। ऐसे में कल इस पर कोई फैसला हो सकता है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। उससे पहले सरकार की कोशिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी भी किसान संगठनों से मुलाकात करेगी। इस दौरान कृषि कानून के मसले पर हर पक्ष की राय ली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार गणतंत्र दिवस पर किसानों से जुड़ी झांकी निकालेगी। यूपी में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कृषि विभाग के कामों को दर्शाया जाएगा। कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे होगी। बजट से पहले 30 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसमें सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत कराएगी। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी के 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा कल लखनऊ में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स एवं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 1 से 2 दिनों में कर सकते हैं। विधानसभा की 243 सीट के हिसाब से बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी शुभेंदु अधिकारी को उनकी इसी पुरानी सीट से उतारने का फैसला किया है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,10,883 हो गई है और कुल मरने वाले मरीजों की संख्या 1,52,869 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,223 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 151 मरीजों की इस वायरस के चलते जान चली गई। देश में कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन अभियान का आज 6ठा दिन है। देश भर में अब तक करीब 8 लाख लोगों को टीका लग चुका है।
कोरोना टीकाकरण के पांचवें दिन बुधवार को देश के 20 राज्यों में टीका सत्र आयोजित किए गया। इस दौरान 1,12,007 लोगों ने टीका की डोज ली है। जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सांसदों को कोरोना का टीका का डोज दी जाएगी। राजधानी दिल्ली ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में अब तक 1,59,193 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। टेस्टिंग का ये आंकड़ा दिल्ली की कुल आबादी का करीब 50% है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर 1 करोड़ टेस्टिंग का आंकड़ा पार कर लेने पर कहा कि दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में अब अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी दफ्तर में तय वक्त पर नहीं पहुंचा या अनुपस्थित मिला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन की सीमा में बीती रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। साउथ एमसीडी ने रेस्टोरेंट और मास्क की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि उनकी ओर से बेचे जाने और परोसे जाने वाले मास्क के बारे में ये अनिवार्य रूप से लिखा जाए कि ये हलाल है या झटका। आजमगढ़ जिला कारागार में बंद 4 शातिर अपराधी गैर जनपद स्थानांतरित किए जाएंगे। इसमें अजीत हत्याकांड में नामजद अखंड प्रताप सिंह भी शामिल है। बीजेपी विधायक समरी लाल ने कांग्रेस के 2 विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग के लिए याचिका दाखिल की है। टीएमसी ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942 से 45 के गैर संपादित और विस्तृत ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। 1949 से 50 के दौरान रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग ने इस दस्तावेज का संकलन किया था। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। टीएमसी ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस की पूर्ववत सरकारों की तरह रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली से नोएडा होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजधानी में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान में कमी रहने की वजह से ठिठुरन बढ़ेगी, साथ ही सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज किए जाने की आशंका है। जोधपुर में रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी द्वारा प्रतिभावान छात्रों के लिए पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंडौली पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है। भीनमाल में ब्राह्मण स्वर्णकार धर्मशाला में सोनी समाज की बैठक आयोजित की गई। मफतलाल सोनी को अध्यक्ष और अशोक बाबूलाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। तारानगर पुलिस ने 10 साइबर ठगों को 27 मोबाइल फोन 40 सिम कार्ड आदि के साथ गिरफ्तार किया। भीनमाल में यातायात नियम तोड़ने पर पुलिस ने 16 वाहनों के चालान काटे और वाहन चालकों से यातायात नियम पालन करने की हिदायत दी। जोधपुर की देवनगर थाना पुलिस ने चोरों की गैंग का खुलासा किया। 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से महंगे स्मार्टफोन बरामद किए गए। हुबली में रेत माफिया के चलते 2 युवकों में झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ नालागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और सिविल इंजीनियर ठेकेदारों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता की और हरियाणा शेड्यूल रेट में संशोधन की घोषणा की। रामदुर के व्यापारी ने अपने मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मधुबनी के गांव में बांस के पुल की हालत खस्ता है। ग्रामीण हर साल बांस के बल्ले से इस पुल को बनाते हैं और बाढ़ का पानी आकर हर साल बहा ले जाता है। अयोध्या में श्री राम नाम मंदिर के लिए निधि संग्रहालय कार्यालय का उध्घाटन किया गया। इस मौके पर साध्वी रितंभरा ने भड़कते हुए तांडव वेब सीरीज पर कहा, ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद करेंगे।
पूरे पंजाब में 32वां सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी परविंदर सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक किया जाता है। देवघर में उपायुक्त ने विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। जमशेदपुर में भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर आरएसएस के लोगों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से झामुमो की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। झारखंड में एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिस पर एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अथड़ी में जय कर्नाटक संगठन कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर भी जलाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में अधिकारियों के साथ मंथन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लाखेरी कस्बे में होने वाले निकाय चुनाव में निर्विरोध जीत पर प्रत्याशी ने जुलूस निकाला। गिरिडीह में लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ बजरंग कृपा संघ ने अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, साथ ही उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। भीनमाल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 16 वाहनों के चालान काटे गए, साथ ही पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के अंदर पेंशन भोगियों की सूची तैयार करें। चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने हरियाणा गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की, कहा कि गौशालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बूंदी में नगर निकायों के चुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख को 12 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। तारानगर के वार्ड 9 में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, विधायक नरेंद्र ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। सादुलपुर में किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने बकाया और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसीबी जोधपुर की टीम ने शेरगढ़ में सूचना सहायक सहित 2 लोगों को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लूणी पुलिस ने अवैध हथियारों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी से हथियार सप्लायर के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है, वहीं निफ्टी 14,719 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पेट्रोल 85.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 75.38 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। स्मार्टफोन बिजनेस से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी बाहर हो सकती है, कंपनी 60% कर्मचारियों को अपने दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करेगी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है, ये आखिरी दिन 3.42 गुना भरा रहा। घोटाले के शिकार पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए भारत पे और सेंट्रम ने मिलकर दाव लगाया है। हाउसिंग मार्केट मंदी से बाहर निकल गया है, मकानों की बिक्री 2019 के मुकाबले 25% और सितंबर तिमाही के मुकाबले 78% बढ़ी है। 2020 में आर्थिक गतिविधियां घटने से फाइनेंशियल ईयर 2021 में राज्यों का राजस्व घाटा 4 गुना बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां कम रहने से कर वसूली घटेगी। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा कि बदलाव को लेकर जो गलत सूचनाएं फैली है उनको दुरुस्त करने पर वे काम कर रही है, यूजर्स ने नए नियमों से वापस लेने की मांग की है। सरकार ई कॉमर्स में एफडीआई नियमों को और कड़ा करने की तैयारी कर रही है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की ओर से बनाई कंपनियों को अपने ही मार्केट प्लेस में ट्रेड करने से रोक सकती है। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस को अपनी परिसंपत्ति बेचने की योजना को मंजूरी दे दी है।
दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 1,820 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चीन ने यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अहम पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर रोक लगा दी है। न्यूयॉर्क में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इस हादसे में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। मिशन मैत्री के तहत नेपाल और बांग्लादेश को आज कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जाएगी, भूटान को 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक इमारत में गैस रिसाव से विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई, उस विस्फोट में 11 लोग घायल भी हुए हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकवादी हमला होने से 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, वही एक घायल है। पाकिस्तान ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने पर शिकायत के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नियमों में भी बदलाव किया गया है। चीनी अरबपति जैक मा महीनों गायब रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आए हैं, वह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं। ब्रिटेन के प्रख्यात वकील डेविड पेरी हांगकांग की सरकार की तरफ से लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ मुकदमा लड़ने से पीछे हट गए हैं। दुनिया भर में धातुओं की कीमत तय करने वाला संस्थान लंदन का ट्रेडिंग हॉल डारिंग बंद होगा, 144 साल से काम कर रहा था। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आज उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी है, एक दिन पहले से ही सुशांत के फैंस ने उनकी याद में ट्वीट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वन डे फॉर SSR बर्थडे ट्रेंड करने लगा है। तांडव के आरोपियों को यूपी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट प्री अरेस्ट बेल दी है, अमेजोन ने सीरीज से सीन को हटा दिया है। सोनू सूद के नाम पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होने वाली है, जिस पर सोनू बोले, मैं जरूरतमंदों की मदद कर सका क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं था। ट्विटर पर सस्पेंड कंगना रनौत ट्रेंड करने के बाद कंगना ने चुनौती देते हुए लिखा है कि मेरा रीलोडेड देशभक्ति वर्जन फिल्मों में नजर आता रहेगा, तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। डायरेक्टर विजय की फिल्म मास्टर 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिससे फिल्म मास्टर कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। पुर्तगाल के रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया, इस मामले में उन्होंने बिकान, पेले और मेसी को पीछे छोड़ दिया है। ICC ने पंत को स्पाइडरमैन बताया, ICC ने सोशल मीडिया पर गाने की धुन में लिखा, स्पाइडर पंत एक मकड़ी जो कुछ भी कर सकती है। IPL टीमों के चौंकाने वाले फैसले सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान ने कप्तान स्मिथ और पंजाब ने मैक्सवेल को बाहर कर दिया है। CSK ने भी एक खिलाड़ी को रिलीज किया है जो कि हरभजन है, जिस पर भज्जी ने ट्वीट कर कहा, सुपर किंग्स के साथ 2 साल का सफर शानदार रहा। मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप राउंड खत्म होने के बाद अब अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों पर IPL फ्रेंचाइजी की नजरें हैं, उनमें विकेटकीपर बल्लेबाज अजहरुद्दीन और कश्मीर के तेज गेंदबाज मुजद्दवा शामिल है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।